नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बाजारों की चाल में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाडी और बाजारों की चाल में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं कमोडिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि शाम के कारोबारी सत्र में कौन सी कृषि फसल किस भाव पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है और इस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय है, जो कि हमारे साथ बहुत जल्द जुड़ेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करें यहाँ पे कैसे सीड से। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कैसे सीड का अक्टूबर वायदा इस वक्त 6112 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और 6246 का ही लगा चुका है, 0.25% की गिरावट है। आज हम देख रहे हैं कि शाम के कारोबारी सत्र में कैसे सीड का अक्टूबर वायदा एक फीसदी की मामूली सी करेक्शन के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि कैसे सीड के जो फंडामेंटल्स हैं वो मजबूत हैं, पिछले साल के मुकाबले जो प्रोडक्शन है वो कम रहने का अनुमान है और जो निर्यात मांग है वो भी अभी ठीक ठाक ही देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से कैसर में कीमतों में एक तेजी का रुझान देखने को मिल सकता है। बात करें यहाँ से अगर चने की, तो चने का अक्टूबर वायदा देख रहे हैं कि 5215 पर कारोबार कर रहा है, 5240 का हाई लगा चुका है, 1% की तेजी है। हम देख रहे हैं कि चने का अक्टूबर वायदा आज 1% की तेजी के साथ 5200 के ऊपर सस्टेन होकर चल रहा है। हम देख रहे हैं कि चने की कीमतों में आज भी एक हल्की सी बढ़त देखने को मिल रही है, लेकिन जो लेवल है वो पहले वाला देखने को नहीं मिल रहा है। तो आज की शाम की कार्रवाई सत्र में किस कृषि फसल में क्या करके चलना सही रहेगा, आइए जान लेते अपने एक्सपर्ट से। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं SMC के रिसर्च एसोसिएट रविंद्र शर्मा जी। रविंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट MCV पर। धन्यवाद जी। रविंद्र जी, सबसे पहले आपसे कैसे सीड का एक आउटलुक जानना चाहूंगा। देख रहे हैं कि आज 0.25% की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, आपको क्या लगता है जिस हिसाब से कैस्टर में एक छोटा सा डाउनफॉल देखने को मिला है, तो क्या यहाँ पे 6500 के तक के भी लेवल्स देखने को मिल पाएंगे अभी? देखिए, कैस्टर का अभी जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है ये बेयरिश ही दिख रहा है। यहाँ से थोड़ी गिरावट और देखने को मिल सकती है, 6000 के आसपास के सपोर्ट हैं, वहां से हम बाइंग जरूर विटनेस कर सकते हैं, लेकिन अभी फॉर द टाइम बीइंग सेलिंग ही रहेगी इस काउंटर में और अपर साइड में 6180 के आसपास के रेजिस्टेंस है जी। तो यानी कि अभी कैसे की कीमतों में छोटी अवधि के लिए ये जो हल्की सी नरमी का रुझान है जारी रह सकता है, लेकिन जब 6000 का लेवल आएगा तो 6000 के आसपास कैसे की कीमतों में एक बार फिर से खरीदारी निकल के सामने आएगी। ये सर विंदर जी, बात करेंगे चने की, तो चना आज भी देख रहे हैं कि 5200 के ऊपर सस्टेन होकर चल रहा है, आपको क्या लगता है अब चने में मैक्सिमम तेजी कितनी देखने को मिल पाएगी? देखिए, चना प्राइसेस की बात करें तो चना प्राइसेस में जो अपसाइड है ये थोड़ी अभी सस्टेन करनी चाहिए यहाँ से। जरूर इसमें बाइंग विटनेस होगी, लेकिन उसके लिए अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है और उसी वजह से हम देख रहे हैं कि प्राइसेस जो हैं ये एक फ्रेश बाइंग भी आई गेस इसमें थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए अभी फॉर द टाइम भी, लेकिन एक हफ्ते के बाद जरूर इसमें बाइंग करने को बनेगा और उस समय हम देखेंगे कि प्राइसेस जो हैं ये अपर साइड में 5500 से 5700 के रेंज में ट्रेड करेंगे जी। तो यानी कि चने की कीमतों में अभी हाल फिलहाल में लगभग एक सप्ताह तक चने की कीमतों में जो लेवल्स हैं वो इसी दायरे में देखने को मिलेंगे, और अगर यहाँ पे चना सस्टेन हो जाता है तो रविंद्र जी के मुताबिक अगले सप्ताह के बाद, हफ्ते 10 दिन के बाद चने की कीमतें 5500 से लेकर 5700 तक ऊपर में जाती हुई नज़र आ सकती है। रविंद्र जी, यहीं से बात करें अगर बिनौला खल की, तो देख रहे हैं कि 2507 का हाई लग चुका है दिसंबर वायदा में, आपको क्या लगता है जिस हिसाब से आज 2500 का हाई लगा है, तो अब बिनौला खल में आगे क्या तेजी का रुझान बनना शुरू हो गया या फिर ये एक छोटी सी ऐसी निचले स्तर से खरीदारी देखने को मिली है? देखिए, कोकोड में करेक्शन कंप्लीट होती हुई दिख रही है, इसी वजह से अब यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल बनता हुआ लग रहा है। अगर प्राइसेस 25-30 के ऊपर सस्टेन करते हैं तो नेक्स्ट टारगेट इसके लिए 2700 का रहेगा और सपोर्ट जो है ये 2350 का ही रहेगा इमीडिएट। लेकिन अगर 2700 के ऊपर ये कमोडिटी चलना स्टार्ट करती है, जो कि चांसेस बहुत ज्यादा लग रहे हैं क्योंकि इंटरनेशनल कॉटन में भी रिवर्सल पैटर्न्स बने हुए हैं और उसी वजह से हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल कॉटन के साथ MCX कॉटन भी यहाँ पे बढ़ा हुआ है और साथ साथ में हम देख रहे हैं कि ऑयल सीड पैक उसमें भी रिवर्सल बाइंग के साइन बन रहे हैं और वो सारा सपोर्ट करता है कुकुट को, और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि कुकुट कल भी रिवर्स किया था और आज अगेन लास्ट 4 से 5 दिन की जो सेलिंग थी उसे कवर करके आज 2490 के आसपास ट्रेड कर रही है कमोडिटी, और यहाँ से बहुत जल्दी हम देखेंगे कि ये कमोडिटी 2500 से 2700 की रेंज में ट्रेड करेगी जी। सविंदर जी, अगर नजर डालें अगर मसाला कॉम्प्लेक्स की ओर, तो देख रहे हैं कि आज धनिया और जीरे के अंदर एक रिकवरी बनती हुई नजर आई है, हालांकि हल्दी अभी भी 7300 के लेवल्स पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है। रविंद्र जी, आपको क्या लगता है क्या जीरा और धनिया हल्दी से ज्यादा प्रॉफिट कमवाते हुए नजर आएंगे या फिर हल्दी में भी एक बार फिर से 8000 के ऊपर के लेवल्स देखने को अभी भी मिल सकते हैं?
देखिए, ये सारी कमोडिटीज जो है ऑयलसीड सॉरी स्पाइसेस पैक, इसमें सभी में बाइंग बिटनेस होगी, और इसमें जो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है जिसमें वो है जीरा, जिसमें क्योंकि सबसे ज्यादा करेक्शन जीरा में ही हुई है। और धनिया जो है ये थोड़ा सा सस्टेन करना चाहिए 8,000 के आसपास जाके, और उसके बाद वहां से अगर एक सेलिंग के बाद बाइंग मिले तो ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन टर्मरिक जो है ये थोड़ी सी अभी भी बेयरिश साइड में ज्यादा लग रही है कंपैरेटिव जीरा और धनिया। टर्मरिक में बाइंग अभी भी सजेस्ट नहीं करेंगे इस लेवल से। जी रविंद्र जी, बात करें यहाँ से अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो ग्वार में देख रहे हैं कि आज एक बार फिर से तेजी बनती हुई नजर आई है। कहीं ना कहीं प्राइसेस जो है ग्वार के वो एक बार फिर से संभलते हुए नजर आए हैं। तो रविंद्र जी, आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से अब ग्वार की प्राइसेस संभलती हुई नजर आ रही है, तो क्या एक बार फिर से ग्वार गम 10,000 के पार जाता हुआ नजर आ सकता है और ग्वार सिर्फ 6,000 के पार? देखिए, ग्वार को क्रूड प्राइसेस का भी थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है, इसी वजह से ग्वार जो है ये बाउंस कर रही है, और जो करेक्शन इसमें ड्यू था वो भी करेक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट होता हुआ लग रहा है। तो यहाँ से अगेन चांसेस हैं कि हम बाइंग जरूर विटनेस करेंगे। अभी इमीडिएट जो टारगेट रहेंगे ग्वार गम के लिए वो 10,200 के रहेंगे, और वहीं ग्वार सीड की बात करें तो ग्वार सीड में 6,000 से 6,100 के बीच में टारगेट ये कर सकती है कमोडिटी। जी रविंद्र जी, जैसा कि आपने बताया कि अभी ग्वार की कीमतों को क्रूड के प्राइसेस का भी सपोर्ट है, अगर रविंद्र जी क्रूड के प्राइसेस टूटते हैं तो क्या उसका इम्पैक्ट एक ग्वार की कीमतों पर भी देखने को मिल पाएगा? जी, अगर क्रूड प्राइसेस में सेलिंग देखने को मिलेगी तो चांसेस हैं कि ग्वार की जो कीमतें हैं उसमें भी गिरावट देखने को मिलेगी। अभी जो पैटर्न्स, जो मेन ट्रेंड है ग्वार का, वो साइडवेज टू बेयरिश होता हुआ दिख रहा है, और अगर यहाँ से ये कमोडिटी 6,200 से 5,800 की लंबी रेंज के बीच में ये स्टक करती है तो चांसेस है कि अगेन सेलिंग देखने को मिलेगी। लेकिन अगर अपसाइड में 6,200 ग्वार सीड ब्रेक करता है तो चांसेस है कि फिर ये अगेन 6,600 तक के लेवल दिखा सकता है। जी रविंद्र जी, यहीं से बात करें अगर एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स की, तो देख रहे हैं कि मस्टर्ड सीड के अंदर एक बार फिर से बाइंग निकलती हुई नजर आ रही है। हमने मस्टर्ड सीड को 8,400 के लेवल्स पर भी ट्रेड करते हुए देखा है, अब देख रहे हैं कि 8,600 के लेवल्स पर ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। तो रविंद्र जी, अब आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से मस्टर्ड सीड बिना ओवरबॉट हुए और बिना ज्यादा बियरिश आउटलुक होते हुए कंसिस्टेंसी के साथ तेजी के साथ कारोबार करती हुई नजर आ रही है, तो क्या सरसों इस बार एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमवाती हुई नजर आ पाएगी? देखिए, एडिबल ऑयल में सबसे ज्यादा प्रॉफिट करेगी कि नहीं करेगी, लेकिन ये बोलना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। लेकिन इसमें एक चीज जरूर कह सकते हैं कि ये एक ऐसा पैक रहे, पूरे पैक में एक ऐसा सेगमेंट रहेगा जिसमें हमें सबसे कम वॉलेटिलिटी के साथ प्रॉफिट्स मिलेंगे, और जो रिटर्न्स हैं वो काफी अच्छे रहेंगे। अभी भी यहाँ से चांसेस लग रहे हैं कि 8,800 को टारगेट कर सकती है, क्योंकि जितनी करेक्शन इसमें होनी थी 8,400 के आसपास के इसके सपोर्ट थे, वहीं से कमोडिटी ने रिवर्स किया और अभी 8,630 के आसपास ट्रेड कर रही है। चांसेस यही लग रहे हैं कि यहाँ से अगर ये 8,660 के लेवल को ब्रेक करती है तो अपर साइड में 8,750 और 8,800 के टारगेट अचीव करेगी। जी रविंद्र, जैसे कि आपने अभी बताया कि सरसों 8,800 पर टारगेट करता हुआ नजर आ सकते हैं, तो हम देख रहे हैं कि अब विंटर सीजन भी स्टार्ट होने वाला है, और देख विंटर सीजन में देखते हैं कि ग्रीन वेजिटेबल्स की जो कंजप्शन है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, और जो पल्सेस कंजप्शन है वो थोड़ी कम होती हुई नज़र आती है। और अगर ग्रीन वेजिटेबल्स का कंजप्शन ज़्यादा होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें कुकिंग ऑयल भी ज़्यादा यूज़ किया जाएगा, और अब भारत के अंदर देश में मस्टर्ड ऑयल सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है इस समय। तो आपको क्या लगता है, अगर ऐसा होता है तो क्या सरसों 9,000 तक भी जाती हुई नज़र आ पाएगी? देखिए, इसमें क्या है कि अभी 5 से 6 महीने का टाइम है जो इसका सीजन जो अराइव हो गए, नेक्स्ट जो इसकी फसल है उसमें 5-6 महीने का वक्त है, और इसमें जो टन जो इसका इन्वेंट्री है वो 30 लाख टन के अराउंड ही है, तो वो आई गेस कम हो सकता है आने वाले समय में। और जैसे जैसे वो इन्वेंट्री इसकी कम होगी उसी तरीके से प्राइसेस को हम शूट अप होते हुए देखेंगे, और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि कमोडिटी जो है ये कंटिन्यूस अप ट्रेंड में है और साथ साथ में करेक्शन भी ले रही है, क्योंकि जैसे कुछ नेगेटिव न्यूज फ्लो होता है तो ये एक छोटी करेक्शन लेती है, लेकिन उसके बाद में इसके फंडामेंटल्स काफी ज्यादा स्ट्रांग है, तो जो मार्केट में शॉर्ट टर्म न्यूज आती है या र्यूमर्स आते हैं वो ज्यादा इम्पैक्ट कर नहीं रहे इसके प्राइसेस को। जी, तो इसमें जरूर हम 9,000 तक के लेवल भी अपसाइड में देख पाएंगे। जी रविंद्र जी, यहीं से बात करें अगर सोया कॉम्प्लेक्स की, तो देख रहे हैं कि सोयाबीन 5,900 के लेवल्स पर है, और जो रिफाइंड सोया तेल है आज वो 1,300 का लेवल तोड़ चुका है। रविंद्र जी, अब आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से बताया जा रहा है कि
सोपा के सर्वे में सामने आया था कि सोयाबीन का जो रकबा है, जो एकरेज है, वो ज़्यादा बढ़ा है। कोई बता रहा है कि पिछले साल के मुकाबले घटा है, और अब ये भी खबरें हैं कि बारिश की वजह से जो मानसून एक बार फिर से रिएक्टिव हुआ है, तो सोयाबीन की जो फसलें हैं खेतों में वो भी ख़राब हुई हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या सोयाबीन की एकरेज वाकई में कम है, एक्चुअल आंकड़े क्या कहते हैं, और प्रोडक्शन पर कितना इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र आ सकता है जिससे कीमतें आगे मंदी तेजी की ओर जाएँ? देखिए, सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन में एक तो एक्सपोर्ट डिमांड जो है वो कम हो गई है, और दूसरा जो इसमें इंपोर्ट है वो जनवरी तक बढ़ा दिया गया है जी। कि जनवरी नेक्स्ट ईयर तक हम इसमें सोयाबीन में इंपोर्ट एक्सटेंड हुआ है, और वही चीज़ है जो इसके प्राइसेस को प्रेशराइज कर रही है डाउन साइड में। और इसमें जो सोइंग एरिया है वो भी इस बार कम है, 115 लाख हेक्टेयर के आसपास है, जो कि पिछले साल 123.5 लाख हेक्टेयर के आसपास का था। तो वो भी एक रीज़न है कि उस वजह से चांसेस थे कि प्राइसेस जो हैं ये अपसाइड मूव करें, लेकिन जो कि जनवरी तक इसमें इंपोर्ट जो है वो एक्सटेंड किए गए हैं वो प्रेशराइज कर रहे हैं स्टॉक प्राइसेस को इमीडिएट बेसिस पे। लेकिन आने वाले समय में ये 5200 के आसपास जाके ये कमोडिटी सस्टेन कर सकती है, और वहाँ से फिर अगेन बाइंग बिटनेस हो सकती है जी। तो यानी कि अभी सोयाबीन की कीमतों में गिरावट देखने को मिल सकती है, 5900 के लेवल से 5200 यानी 5200 के लेवल तक जाती हुई नज़र आ सकती है, लेकिन वहाँ पे फिर से निचले स्तर से खरीदारी देखने को मिलेगी। रविंद्र जी, जानना चाहेंगे एग्री कमोडिटीज़ के वो टॉपिक्स जिनके अंदर अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है। ठीक है, कॉटन में बाय करके चल सकते हैं, कॉटन में काफ़ी अच्छे पैटर्न्स दिख रहे हैं, यहाँ से अपर साइड में 26,000 तक के टारगेट इसमें पोजिशनल बेसिस पे मिल सकते हैं, स्टॉप लॉस रहेगा 25,100 का। और दूसरा जो कमोडिटी है वो रहेगा हमारा स्पाइसेस पैक से, स्पाइसेस पैक से हम जीरा को बाय करके चल सकते हैं, हायर साइड में 14,900 तक के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं, स्टॉप लॉस रहेगा 14,300 का जी। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसा कि रविंद्र शर्मा जी ने बताया कि कॉटन के अंदर और दूसरा स्पाइस कॉम्प्लेक्स में जीरे के अंदर खरीदारी की रणनीति बनाकर चला जा सकता है और अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। उन्होंने जो लेवल्स दिए हैं आप उन पर बाइंग की स्ट्रेटेजी बनाकर चल सकते हैं। फिलहाल बाजारों की चाल में बस इतना ही, नमस्कार।